इंटरव्यू देखा? देखा आपने, हंस रहे हैं। मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट। मंत्री का इंटरव्यू देखा? देखा आपने, हंस रहे हैं। मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत करती हूं आप सभी का सेंट्रल डिबेट में। दो तीन दिनों से सोशल मीडिया पर एक शब्द प्लायबल बहुत सर्च किया जा रहा है, जिसका अर्थ है लचीला। आप भी सोच रहे हैं कि सेंट्रल डिबेट में आज इस शब्द का ज्यादा उस पर दबाव क्यों दिया जा रहा है। दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ANI के एडिटर स्मिता प्रकाश के लिए उपयोग किया था, जिन्होंने नए साल में 2019 पीएम मोदी का इंटरव्यू लिया था। राहुल के इस शब्द का इस्तेमाल करते ही ट्विटर पर एक तरफा लड़ाई छिड़ गई। राहुल के बयान पर ANI के एडिटर स्मिता प्रकाश ने ट्वीट कर राहुल गांधी को लिखा कि राजनीतिक लड़ाई में आप मुझे ना घसीटे, अगर हमला करना है तो पीएम मोदी पर खुद करें। वहीं देश के सभी पत्रकार और मीडिया हाउस ने राहुल गांधी के द्वारा उपयोग किए गए शब्द को कंडेम किया और उनकी कड़ी आलोचनाएं की गई। बात करें तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल पर वार कर ट्वीट किया कि इमरजेंसी तानाशाह के पोते ने अपना असली DNA दिखा दिया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि पत्रकारों पर हमला किया है। लगातार इन राजनीतिक दलों की तरफ से एक के बाद एक अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जैसे प्रेस्टिट्यूट, दलाल, बाजारू और खबरों के कारोबारी। जहां एक तरफ पत्रकारिता के चौथे स्तंभ माना गया है, वहीं कुछ राजनेता राजनीतिक दलों की तरफ से पत्रकार और पत्रकारिता को बुरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया गया है। और इसी विषय पर कुछ सवाल सेंट्रल डिबेट के मंच से हम भी पूछ रहे हैं। पत्रकारों पर आक्रमण क्या सही है, सवाल पहला। दूसरा सवाल, सियासत की लड़ाई में क्या पत्रकार मोहरा बनते जा रहे हैं। इसी के साथ तीसरा सवाल, आपकी हां में हां, ना में ना, क्या यही पत्रकार आपको चाहिए। सवाल चौथा, प्रेस्टिट्यूट, बाजारू और दलाल शब्दों का इस्तेमाल करना क्या उचित है पत्रकारों के लिए। पांचवा आखिरी सवाल, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आखिर दबाव बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा पहले आपको सुनाएंगे, और उस पर बीजेपी का क्या पलटवार आया वो भी देखिए। सवाल पूछ सकते हैं, मैं आता हूं, हर 7-10 दिन आता हूं, आप उससे पूछते हैं, आपको खुशी होती है कि भैया हम खुल के सवाल पूछ सकते हैं। आपने कल प्रधानमंत्री का इंटरव्यू देखा? देखा आपने, हंस रहे हैं। मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, वो क्वेश्चन भी कर रही थी, प्रधानमंत्री के आंसर भी दे रही थी साइड में। और इसके साथ ही आपको बता दें, अनुराग ठाकुर की तरफ से भी बयान आया है, सुनाते हैं। इस देश के पत्रकारों को इमरजेंसी के समय लगाम लगा देते हैं कि वो स्वतंत्र लेख नहीं लिख सकते, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग हो, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, वो रूप इनमें देखने को नजर आया। नहीं कि एक सीनियर एडिटर है, महिला पत्रकार है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से 1.5 घंटे के भाषण में देश और दुनिया से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन उस कंफ्यूज्ड नेता को इतना दर्द हुआ। अध्यक्ष जी, क्या ये चाहते हैं कि वो मोदी जी से ये पूछते कि वो मोदी जी से पूछते कि मोदी जी आपके अपनी माता जी से संबंध कैसे हैं, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, क्या ऐसे सवाल पूछने चाहिए थे।
पत्रकार और पत्रकारिता पर हमला करना तो आसान होता है, लेकिन उनकी जगह रहकर काम करना उतना ही कठिन। कारगिल युद्ध हो, उत्तराखंड में आई बाढ़ हो, या केरल में आया तूफान, कश्मीर में आतंकी हमला हो, या छत्तीसगढ़ में आया हुआ नक्सली हमला, ज्यादा दूर ना जाएं। अभी की ताजा तस्वीरें स्क्रीन पर ही आपको दिखा देते हैं, जहां सबरीमाला में उग्र भीड़ का सामना कर महिला वीडियो जर्नलिस्ट शालिजा अली फातिमा भीड़ से लात घूंसे खाती रही, कैमरा छीनने तक की नौबत आ गई, लेकिन फिर भी डट के ड्यूटी करती रही। विधानसभा चुनावों के दौरान कैसे दंतेवाड़ा में दूरदर्शन की टीम पर हमला हुआ, कैमरामैन की मौत तक हो गई और एक साहसी कैमरामैन मोर मुक्त शर्मा ने बहादुरी के साथ वीडियो भी बनाया। ये सारी चीजें देखकर तो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। साहब, ऐसी साहसी पत्रकारिता या पत्रकार आपको कहां मिलेंगे? तो पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाता है, एक दर्जा दिया गया है, लेकिन क्या कुछ दृष्टि जिस तरह से प्लायबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, चर्चा करेंगे, तारुफ करा दे बैठे सभी मेहमानों से आपका। प्रभात रंजन दीन जी मौजूद है, एग्जीक्यूटिव एडिटर इंडिया वॉच की, अशोक पांडे जी प्रवक्ता है बीजेपी से, सदर जाफर जी मौजूद है प्रवक्ता है कांग्रेस की, राजेश आनंद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, तायरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, संजय भटनागर जी मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार। सीधा सवाल मैं यहां पर प्रभात रंजन दीन सीधे आपसे पूछना चाहूंगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना गया, जैसे मैंने कहा कि अगर कश्मीर में आतंकी हमला हो या फिर अगर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से दूरदर्शन के कैमरामैन ने अपनी जान तक गंवा दी, उसके बावजूद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह के शब्दों का चलन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत सही दिव्या, और ये बड़ा ही जिसको कहते हैं प्रोवोकिंग और मोटिवेटिंग, ये जो आपने इंट्रो आपने रखा है सबके सामने, तो इस पर मेरे दो शब्द मैंने मेरे समझ में आए। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ दिव्या, आपके जरिए जो भी हमारे साथी यहाँ वक्तागण हैं और दो सीनियर पत्रकार हैं, एक प्रमुख और बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं और दो राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, ये डिबेट, आज का डिबेट जो है ये समहाउ और अदर रिट्रोस्पेक्टिव डिबेट है। हम जो है रिट्रोस्पेक्शन में जाएं, हम आत्मावलोकन करें कि हम कैसे पत्रकार हैं और हम कैसे राजनीतिक दल हैं, दोनों बातें हैं। और ये डिबेट इतना कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय हम इस बात की समीक्षा करें कि वाकई पत्रकारिता क्या हो रही है और वाकई क्या राजनीतिक दल एक समाज के प्रतिनिधि के बतौर उनका एक संतुलित रवैया है कि नहीं, और इसको आईना दिखाएंगी एक समाज सेवी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, दोनों पत्रकार। और यह भी मैं कह दूं कि आज डिबेट के लिए जो पत्रकारों का चयन हुआ, तो उस चयन में मैंने आपसे अंदर में बताया कि उस चयन में उन पत्रकारों को चुना गया, और मैं भी बहुत ही विनम्रता से यह बात कह सकता हूं कि मैं भी उन पत्रकारों में शामिल हूं जो सत्ता के दरवाजे पर मत्था टेकने नहीं जाते। तो जो पत्रकारिता का उसूल है, जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर चलते हुए चाहे जितने धक्के खाएं, उन उसूलों पर चलते हुए हम अभी यहां पर बैठे हैं जी। पत्रकारों की बहुत भीड़ है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये आत्मावलोकन करने का भी समय है कि हम ये रियलाइज करें कि जो कुछ भी नेता कह रहे हैं उसके लिए हम क्या पात्र हैं कि नहीं जी। अब ये डिबेट को मैं एक कैटलिटिक एजेंट की तरह बढ़ाना चाहता हूं कि मैं कई बार, अब संजय भाई हमारे कंटेम्प्रेरी रहे, हम लोग कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में रहे और ऐसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में रहे जिसमें महत्वपूर्ण नेताओं से सवाल पूछा जाना है, तो एक कोने से संजय भाई पूछे, एक कोने से प्रभात रंजन पूछे, बाकी लोग चुप्पी साधे रहे। तो ये जो आम पत्रकारों की जो भीड़ है वो किस समझ से पत्रकारिता में आती है, इसकी भी इसकी आलोचना नहीं, इसकी समालोचना करने की जरूरत है साइमल्टेनियसली। चूंकि आज दो ही राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, बुलाए गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं, ये दोनों दल पक्षकार हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि एक पार्टी के नेता प्रेस्टिट्यूट कह देते हैं, दूसरे दल के नेता प्लायबल जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों शब्दों से मेरा कोई विरोध नहीं है, जैसा संजय भाई ने कहा कि ऐसा हम लोग डिजर्व भी करते हैं, है ना, लेकिन
क्या राजनीतिक दलों को ये लगता है, दिव्या ध्यान चाहूंगा आपका, क्या राजनीतिक दलों को ये लगता है कि समाज की जितनी भी विधाएं हैं, लोकतंत्र के जितने भी आयाम हैं, वो क्या सही हैं? जो नैतिकता के मापदंड पर सही हैं, तो केवल पत्रकारों को ही क्यों कहते हैं? मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज में क्या इतना कुवत नहीं है, इतना मोरल इनमें ताकत नहीं है कि वो जस्टिट्यूट भी कहें एंड पॉलिटिको ट्यूट भी कहें, है कि नहीं? तो ये सारे जो ये हैं, इन सारों सारी विधाओं की स्थिति उसी तरह से हो गई है। मैं फिर से ये शब्द दोहराऊंगा नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रभात जी लगातार यही खड़ा हो रहा है। एक बात कह दूं और इसके बाद डिबेट शुरू हो जाएगा। मैं थोड़ा प्रोवोक करना चाह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना होगा, सोचना चाहिए, और अभी ईमानदारी से ये बात भी होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ खास पत्रकारों को चुनकर करप्ट करने के सिवाय किया क्या है? क्योंकि जो भी जो पत्रकार हैं, अगर वो जेन्युइन तरीके से चलते हैं, तो उनके पास उनके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से हम लोग लड़ रहे हैं जी। लेकिन क्यों लड़ रहे हैं भाई? हमारे ही बीच के कुछ अखबार, कुछ संपादक, कुछ पत्रकार जो हैं, वो अखबारों के मालिक बने हुए हैं, टीवी चैनलों के मालिक बने हुए हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि ये कैसे टीवी के मालिक हो गए, ये अखबार के कैसे मालिक हो गए? बिल्कुल, लेकिन प्रभात जी लगातार सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार राजनीति में आप पत्रकारों को क्यों घसीटते जा रहे हैं? जिस तरह से प्लायबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, सदर जाफर जी आपसे पूछना चाहूंगी, कितना उचित है, कितना उचित है? देखिए, प्लायबल का अगर आप लिटरल मतलब समझें तो ये है कि इजी टू बेंड या फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होना जो है वो कहने का उनका मतलब जो ये था, आपने एक प्लायबल शब्द पकड़ लिया और उसके ऊपर जो है वो, अभी मैं कल देख रही थी कि गूगल में जी प्लायबल वर्ड पकड़ा नहीं गया है, बाकायदा इंडियन नेशनल कांग्रेस की टीम ने ट्विटर पर भी इसको लिखा है, इट इज कन्वीनियंट। प्लायबल का मतलब है इजी टू बेंड, इजी टू इन्फ्लुएंस। जिस तरह से ये इंटरव्यू लिया गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्री अप्रूव्ड क्वेश्चंस हैं, और यहाँ तक कि आंसर्स भी कुछ हद तक बता दिए गए हैं कि ये इस तरह के जवाब आएंगे, क्योंकि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ मुस्कुरा देते थे, उनके जवाबों को वो पूरा कर देती थी, तो वो देखते हुए लग रहा था कि सदर जी, एक दौर वो भी याद होगा जब सोनिया गांधी जी का भी इंटरव्यू लिया गया था बड़े बड़े पत्रकारों की तरफ से, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगी, तब भी यही सवाल किए गए थे कि आपके सास के साथ आपके संबंध कैसे थे, तब तो आपने कुछ विरोध नहीं दिखाया। हाँ, तो क्यों दिखाएंगे हम विरोध? इस तरह के सवाल अगर पूछे जा रहे हैं, अगर पत्रकार इस तरह का सवाल दे रहा है, जिस तरह से कह रहे हैं, अभी आपको हमने सुना है कि अनुराग ठाकुर जिस तरह से कह रहे हैं, क्या मोदी जी से भी यही सवाल किया जाना चाहिए कि आपकी माता से आपके संबंध कैसे हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि दो पहलू होते हैं, या तो मैं बोल रही हूं, हम अगर आप मेरी तरफ से सारे जवाब मतलब एक्सपेक्ट कर रही हैं तो क्वेश्चंस कहीं थमेंगे। देखिए, सीधी सी बात यह है कि डिपेंड करता है कि क्या थीम है इंटरव्यू की। मेनका गांधी जी से भी पूछे गए इस तरह के सवाल, सोनिया गांधी जी से भी पूछे गए। भाई, अगर आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राहुल गांधी जी से ये सवाल अक्सर पूछा गया कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो आप उन आप जवाब डिपेंड करता है कि अगर वो अनौपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है या अनौपचारिक तरीके का इंटरव्यू है, तो आप किस तरह के जवाब दे रहे हैं। लेकिन आप साल में एक या दो इंटरव्यूज दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस माइंड यू नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, उसके बाद जो है आप जो है प्री अप्रूव्ड क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी प्री डिजाइंड आंसर्स हैं, तो नेचुरल है कि इट्स सदन की गरिमा भी देखी जाती है। अगर देश के प्रधानमंत्री का अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, टॉप मोस्ट कुर्सी पर हैं वो, जी हाँ, तो थोड़ा गरिमा का भी मान रखा जाता है लगातार। आंसरेबल और ज्यादा है क्योंकि वो मैं कह तो रही हूँ सदर जी, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू हालांकि हमने नहीं दिखाए, लेकिन बकायदा सोनिया गांधी मौजूद थी, चलते फिरते उनका इंटरव्यू लिया गया, बकायदा एक पोडियम भी था, लाखों की भीड़ भी थी, वहां पे भी उनसे ऐसे सवाल किए गए जी, तब तो विरोध नहीं जागा, नहीं तो विरोध नहीं किया गया। इस बीच में एक बात कहना चाह रहा हूँ, अशोक पांडे जी के पहले मैं एक बात कह देना चाह रहा हूँ, और कांग्रेस की प्रवक्ता है, इनको मैं बता दूं कि मैंने राहुल जी के इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल तरीके से मैं गया, और एक स्टेट के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, रहे हैं, उनका नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन उनके जरिए मैंने अपना एक आवेदन उनको दिया, तो मुझसे आपकी पार्टी की तरफ से भी ये आया कि आप अपने क्वेश्चनायर भेज दें।
चल रहा है बिल्कुल सही। नहीं, नहीं, और, तो और मैंने, कहा, मैंने मैंने उनसे कहा कि मैं क्वेश्चनायर नहीं भेजूंगा, इसलिए कि स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू अगर करना होगा जो वो जवाब देंगे जो बात होगी क्वेश्चन। बिल्कुल प्रभात जी, अगर खुलकर पत्रकारिता पर ही बात हो रही तो मैं भी एक अनुभव बताना चाहूंगी। लगातार इतने दिनों से हम डिबेट कर रहे हैं, जब भी कांग्रेस पार्टी को बुलाने की बात आती है तो वो पहले मुद्दा पूछते हैं, अगर मुद्दा उनके अकॉर्डिंग है तभी वो उपस्थित होंगे। अब ये बताइए अगर फ्रीडम की लगातार बात, और कितनी बार तो यहाँ पर मुद्दा सुनते ही कांग्रेस पार्टी लाई। अशोक पांडे जी क्या कुछ कहेंगे आप? कहना चाहूंगा सबसे पहली बात दिव्या जी, बहुत अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत गंभीर पैनल हम लोगों के बीच में है और उतना ही गंभीर प्रश्न भी है। फिर राजनीतिक होने के नाते मैं बहुत दुविधा में हूं, और हमारे पास यहाँ दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, तीन बल्कि वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, चौथा दिव्या जी भी एक अच्छी पत्रकार हैं। मैं आप चारों से क्षमा पूर्वक, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा और उसको संभाल लीजिएगा। मैं अपनी बातें बहुत बेबाकी से रखना चाहूँगा। पहली बात कि इस देश में नहीं पूरे विश्व में क्रांति हमेशा विचारों से होती है, कभी कोई व्यक्ति क्रांति नहीं लाता चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो। तो विचार को मारने का जो प्रयास होता है वही व्यक्तिगत तौर पर पत्रकारों पर हमले के रूप में आता है। अब ऑन ड्यूटी अगर किसी पत्रकार पर हमला हो तो मैं उन घटनाओं से पूरी तरह चिंतित ही नहीं हूं, बल्कि मैं उस तौर पर शर्मिंदा भी हूं कि आज इतनी बड़ी बात। अगर मैं अभी रंजन जी ने एक बात कही नैतिकता, मुझे याद है कि जयप्रकाश नारायण जी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट इस बात पे दिया था कि प्रत्येक राजनीतिक को, और जयप्रकाश नारायण से बड़ा राजनेता मैं दूसरा किसी को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक को अपने दरवाजे पर एक खूंटा गाड़ लेना चाहिए और उसके सामने खड़े होकर के रोज विचार करना चाहिए कि वो क्या खूंटे के समान नैतिक है, तब पत्रकारिता चल पाएगी। और ऐसा ही मुझे लगता है कि शुचिता के नाम पर कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी और उन एजेंसियों को भी जाना चाहिए। अब जहां तक एक प्रश्न अभी उठा है प्लेबिल जर्नलिज्म का, तो इसके कुछ समय पहले 5-10 साल पहले की बात करें तो एक प्रश्न उठा था जिसकी क्रांति में हम भी साथ में थे कि वो था पेड जर्नलिज्म का, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। और पेड जर्नलिज्म कैसे आया वो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उसको लाने वाले कौन थे। उसके लिए कभी कोई पत्रकार एकजुट होकर के उन्होंने विज्ञापन की नीति बनाने की बात नहीं की, आत्मिक सुरक्षा की बात तो की। अगर मैं 2014 की घटनाओं की बात करूं, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक बात करने से मना कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे दो बातों पर जवाब जरूर देना है। एक तो 2014 में जो सबसे ज्यादा 64 केस दर्ज हुए जिसमें पत्रकारों पर हमले हुए जिसमें उनकी जानें भी चली गई, उसमें 12 जून 2015 को पत्रकार जोगिंदर का भी केस है जो बरेली में जला के मार दिए गए। इसके बाद यूपी के शाहजहांपुर में, और आज तक जी शाहजहांपुर में मृतक राजेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया, ऐसे ऐसे कारनामे भी हुए। बड़ी बात यह है जो शर्मिंदा होने की है, मैं राजनीतिक होकर शर्मिंदा हो रहा हूं और शर्मिंदगी का शिकार हूं क्योंकि मैंने उस पर पीआईएल करने के प्रयास भी किया था। आप बिल्कुल मतलब आज तक मामला खुला नहीं है, क्या ये पत्रकारों के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आज तक वो मामला खुला नहीं है। अब एक बात जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कही, मुझे ये लाइन पूरी कर लेने दीजिए फिर हम आपकी बात पर ही जवाब देंगे। जो कांग्रेस प्रवक्ता ने कही, मैंने ये बात तो अपनी रखी, मैं मुंशी प्रेमचंद, लाला लाजपत राय, लोकमान बाल गंगाधर तिलक, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो अंग्रेजी हुकूमत के सामने भी, ये तो बहुत छोटी सी बात अभी आई है कि जो अभी हमारे प्रवक्ता ने कहा कि वो मीसा लगी हुई थी जब उस समय पर रोक दिया गया था इमरजेंसी में पत्रकारों को, लेकिन फिर भी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे जो उससे टकरा रहे थे। ऐसा पत्रकारिता मरी हुई नहीं है, इस देश की पत्रकारिता में बहुत करंट है, वो कहीं ना कहीं उछलती रहती है, वो कहीं ना कहीं छापती रहती है, वो पर्चे बांटती रहती है। अशोक पांडे जी, मैं वही कह रही हूँ, एक राजनीतिक दल की बात नहीं, लगातार जिस तरह से मुझे, प्रभात जी ने कहा एक लाइन भी पूरी कर लेने दीजिए, तो दूसरी पार्टी लगातार प्लाइबल शब्द का इस्तेमाल कर रही है। मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात बार बार उठी, लोकसभा में भी उठी और उसके बाहर भी उठी, मैंने तमाम पत्रों को पढ़ा, यहाँ तक कि मेरे पास 7 या 8 पत्र आते हैं समाचार पत्रों को मैंने पढ़ा, सब में मैंने देखा कि एक तरह से बात उठ रही थी कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। अब मैं आपकी जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर, मैं भी स्वयं राज्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। प्राइम मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रश्न पहले भेजे जाते हैं, बहुत अहम मुद्दा है, हमें मतलब नहीं।
नहीं है, ये बताना पड़ेगा मुझे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले प्रश्न भेजे जाते हैं और उन प्रश्नों पर ये सहमति होती है कि किन प्रश्न का कौन आदमी जवाब देगा, तब वो प्रश्न प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो उस पत्रकार के ऊपर हमला करना गलत था। राजनीतिक दलों से फिलहाल मतलब नहीं है, आक्रमण यहाँ पर पत्रकारिता पर हो रहा है। राजेश आनंद जी क्या कुछ कहेंगे, एक दौर था, जानकारी जनता को दे दूं, एक दौर था वहां पर अगर देखा जाए इमरजेंसी का दौर था और उसके बाद इन सारे शब्दों का जो चयन किया गया, मैंने अभी जिक्र किया यहाँ पर शाहजहांपुर में जिंदा जला दिया जाता है पत्रकार को और पत्रकार एकजुट नहीं हो पाए उस मुद्दे पे। आज तक खुला नहीं है मामला, है एक हल्का फुल्का धरना हुआ बस पत्रकारों का इमरजेंसी के दौरान 77 में जब इमरजेंसी लगी उसके पहले जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने गांधी पटना के गांधी मैदान में, चूंकि मैं पटना शहर को बिलोंग करता हूँ, मेरी उम्र स्कूली रही होगी, तो उस दौर को जो मैंने देखा है, उस समय से जो पत्रकारिता का जो गिरता हुआ अस्तर धीरे 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 कहीं ना कहीं हम इसके जिम्मेदार होते चले गए, इससे अछूती राजनीतिक पार्टियां भी नहीं रही। मुझे याद पड़ता है कि 90 के दशक में एक मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने सवाल करना जब शुरू किया तो मुख्यमंत्री ने बड़े गर्मजोशी से कहा कि अब तुम भी मुझसे सवाल पूछोगे, बंगले पे आ जाना। तो मैं उस लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक ये थी। मरहूम भी हो चुके हैं, हाँ उसमें कई लोग मरहूम हो चुके हैं, मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, पर स्थितियां बदली और पत्रकारिता का स्तर भी गिरता गया। मुझे ये कहने में बिझक बेशक मुझे याद पड़ता है कि 90 के दशक में मैं दैनिक जागरण में था तो कानपुर में एक पंडित जी हुआ करते थे, पंडित पद्मवेश जी, वो दौर था कि अखबार के राशि फल पे लोगों का भरोसा हुआ करता था और आज का दौर है कि सच हकीकत को भी शक की निगाह से देखा जाता है। पत्रकारिता का ये जो बड़ी खाई खींची गई है ये देखने से ही लगता है। तो ये डिबेट हो रही है दिव्या प्रभात, एक चीज तो तय है कि मैंने पहले भी कहा था स्टूडियो में आने से पहले भी कहा था कि आज पार्टियों के प्रवक्ता को मौका मिलेगा कि पत्रकारों के खिलाफ हम लोग के सामने बोल ले और उनको पूरी स्वतंत्रता रहेगी, तो उन्होंने बोला भी, पेड न्यूज की भी बात हुई, सब कुछ बात हुई। और राजेश आनंद जी जो हम लोग को पत्रकारों को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, प्रभात भी कर रहे हैं, तो हम लोग ये बात तो बिल्कुल ही तैयार हैं सुनने को और कहने को कि पत्रकारिता का स्तर पहले जैसा नहीं रहा, लेट अस एक्सेप्ट इट और लेट अस बी रियलिस्टिक। इसके लिए हमको कोई मुझको कोई कहने में झिझक नहीं है, तो यहाँ पर मुद्दा इस बात का बिल्कुल नहीं है कि हम लोग ये कह रहे हैं। हमें मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो हम लोगों को वो दिक्कत हो रही है वो डिक्शनरी की दिक्कत है कि जिस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ये प्रेस्टिट्यूट वर्ड यूज हो रहा है। प्रभात ने कहा पॉलिटिकोस्टिट्यूट क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझको लग रहा है दोनों तरफ से ऐसा नहीं होना। नहीं संजय जी इसमें थोड़ा सा नहीं, मैं कहता हूँ एक्सप्रेशन अपनी जगह है, ये बिल्कुल सही बात है, ये मैं इससे पांडे जी की इस बात से सहमत हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को हम लोग भी बड़े इंटरव्यूज किए हैं, हमेशा क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, उसका नहीं है, अब प्लायबल है कि नहीं है कल, अब वो भी नेशनल पार्टी के नेता है राहुल गांधी जी, राहुल गांधी को भी अगर आज वो देंगे तो प्रभात ने बताया उनसे कहा गया आप क्वेश्चन भेजिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। और किसी के और स्मिता प्रकाश ने जो कहा जिन्होंने इंटरव्यू लिया कि आप अपनी राजनीति में मुझको ना घसीटें, वो भी बात सही है, आप इंटरव्यू के कंटेंट पे लाख टिप्पणी कर दीजिए, इंटरव्यू के कंटेंट पे मुझको भी आपत्ति है, हो सकती है, उनका जो बोला मैं क्वेश्चंस जो पूछे गए उसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए आप, हम ये मान के चल रहे हैं वो क्वेश्चंस उनके पास पहले से थे, ये मान के चल रहे हैं, लेकिन उसके जवाब उन्होंने जो दिए, प्राइम मिनिस्टर अगर एक लाइव इंटरव्यू कर रहा है या लाइव नहीं कर रहा है, वो टेलीकास्ट किया जा रहा है हर चैनल पे हर जगह, उसको प्रिंट में भी आ रहा है, तो उस पर टिप्पणी करने का अधिकार सबको है क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको हर आदमी कमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर यह है कि उन्होंने प्लायबल वर्ड बोला, उससे पहले प्रेस्टिट्यूट वर्ड बोला, तो हमें आपत्ति वर्ड्स पे है, वर्डोलॉजी पे है, टर्मिनोलॉजी पे है, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि उन्होंने आपत्ति उठाई। एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट अभी तायरा जी, एक मिनट अभी के पास आऊंगा दिव्या, एक बात कहना चाह रहा था संजय भाई की बात को थोड़ा सा बढ़ाते हुए कि देखिए प्लायबल पर इतना हंगामा हो रहा है,
लेकिन कुछ दिनों पहले एक चैनल पे इंटरव्यू आ रहा था अमित शाह का, और वो इंटरव्यूअर से, वो इंटरव्यूअर को कहते हैं कि और कोई सवाल है कि नहीं, पढ़ के आते हो कि नहीं, इस तरह की बात हो रही थी। उस समय जर्नलिस्ट कहां थे? बिल्कुल बेसिक बात यह है कि जब हम मुद्दे उठाते हैं तो हम मुद्दे उठाने में भी देखते हैं कि हम किसकी तरफ है और किसकी तरफ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता, आप कृपया ध्यान दें, और भाजपा की भी प्रवक्ता, कि पत्रकार किस तरह से सवाल उठता है, उठाता है या नहीं उठाता है, हु यू आर टू इंडल्ज एंड टू आस्क, ये मेरा काम है। ठीक उसी तरह से जैसे आप नेताओं के साथ कैसे डील करते हैं, आप टिकट बांटने में क्या करते हैं और कौन सी प्रायोरिटीज आपके सामने है, इस पर कभी हम नहीं पूछते आपसे, आपके इंटरनल मामलों में और आपके बिहेवियरल मामलों में। लेकिन रंजन जी, हम कहीं भी, एक मिनट रुकिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। बिहेवियरल का मतलब है कि आपका इंटर ऑर्गेनाइजेशनल जो आपका व्यवहार है उससे हमारा, हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। हमारा जो इंटरव्यू करने का कौन सा तौर तरीका है, हम प्लायबल है कि नहीं, हम रफ है कि नहीं, बिल्कुल प्रभात जी, उसमें बिल्कुल, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तब आ जाती है जब राजनीति शुरू हो जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो बयान दिया, लेकिन आपको बता दें बीजेपी से जो एमपी है यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा, उन्होंने तो लगातार यहाँ पर पत्रकारों को भी बांट दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आप विनोद दुआ या रवीश कुमार से इंटरव्यू क्यों नहीं करवाते पीएम मोदी। तो लगातार यहाँ पर पत्रकारों को बांटने की भी स्थिति सामने आ रही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इंटरव्यू देखा, देखा आपने, हंस रहे हैं, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट, मतलब प्लायबल जर्नलिस्ट।